Today on the occasion of Durgashtami, Delhi CM Arvind Kejriwal handed over the Sarai Kale Khan flyover to the common public. I am currently here on the flyover, which is a three-lane project, which is around 680 meter long. And this project was started around one and a half years ago. It was seen that on the peak hours here, traffic congestion chokes the road as well as brings pollution and as well as waste time of the common Delhi commuters. But after this flyover comes to the process, this will decrease the pollution as well as saves money and the time for the Delhi people. And you can see with this flyover, there is an old flyover which used to connect Ashram to the ITO, but now Ashram ITO will be connected to the Ashram, which will decrease the time and as well as decrease the pollution. Today, Delhi CM came here, inaugurated this flyover. He came with PWD Minister Atishi Marlina, and local MLA and councillors were present here with Aam Aadmi Party workers. Delhi government has said that they have proposed 66 crore budget for this flyover, but they have completed this flyover with the budget of 50 crore. And in the evening, this flyover will be open for the common people and for the traffic and for the transport. आज सराय काले खां के इस टी जंक्शन के ऊपर एक और फ्लाईओवर बनके तैयार हुआ है. थ्री लेन फ्लाईओवर है, एक और विंग फ्लाईओवर का, एक पहले वन एक साइड का बना था. इससे अब ये पूरा क्षेत्र जो है, केवल इसको ना लिया जाए, पूरा क्षेत्र जाम मुक्त हो गया है. एक हमने आश्रम अंडरपास बनाया, एक आश्रम फ्लाईओवर का एक्सटेंशन बनाया. हमें पता है कैसे आश्रम के ऊपर पहले आधा आधा घंटे का एक जंक्शन पे आधा आधा घंटे का जाम लगता था, और आज ये बन जाने से अब आईटीओ से आश्रम की तरफ जाने वाला जितना ट्रैफिक है वो सारा पूरा का पूरा जाम मुक्त हो गया है. बिल्कुल यहाँ कोई भी जाम नहीं लगेगा. दिल्ली में आजादी से लेके आज तक टोटल 102 अंडरपास या फ्लाईओवर बनाए गए, तो 75 साल में टोटल 102 बने, जिसमें से 30 फ्लाईओवर या अंडरपास पिछले 8 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार में बने हैं, और 25 और पाइपलाइन में हैं, तो 125 के करीब हो जाएंगे. इन 125 में से 50% आधे बने आम आदमी पार्टी की सरकार में और आधे बने 70 साल में. तो जितना काम 70 साल में हुआ उतना काम अकेले आम आदमी पार्टी की 8-10 साल की सरकार में हुआ. आपने कहा 557 करोड़ बचाए हैं, हर फ्लाईओवर के अंदर हमने पैसे बचाए हैं. हम देखते हैं पूरे देश में जहां भी सरकारी काम होता है, 100 करोड़ का काम होना हो तो वो होते 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 टाइम एक्सटेंशन होता जाता है, कॉस्ट एस्केलेशन होता जाता है. 100 करोड़ का काम होना हो तो 500 करोड़ का 1000 करोड़ का होता है. दिल्ली में हमने हर, जैसे आज ये जो फ्लाईओवर है इसकी लागत 66 करोड़ थी, इसकी लागत 66 करोड़ का काम हमने 50 करोड़ में पूरा कर दिया. इसी तरह से हर काम में हमने पैसे बचाए हैं, और लगभग 557 करोड़ रुपए हम लोगों ने अभी तक 30 फ्लाईओवर जो बनाए उसमें 557 करोड़ रुपए बचाए. विद कैमरामैन लोकेंद्र पांडेयन, मूलनाथ बाली फ्रॉम न्यू दिल्ली.